हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। मैं आपका दोस्त आशु आप सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। सबसे पहले मैं आप लोगों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ और अच्छे से आप लोग सेलिब्रेट करें, घर पे रहें, सेफ रहें। और जो भी हमारे जो होली होने वाली है, जो कि कल होली है, होली की ढेर सारी बधाइयां हमारे सारे क्लाइंट्स को। सो आज हम जानने वाले हैं एसक्यू प्लॉट्स, जो कि अगर आप 3 या 4 CR में इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर रहे हो, बैंक ऑन NH8। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना, मानेसर टोल के पास अगर आप लोग प्लान कर रहे हो एसक्यू में इन्वेस्टमेंट करने का, जो कि स्टार्टिंग प्राइस लगभग 4 या 5 CR की रहने वाली है, जो कि आज हमारा बिल्डर रहने वाला है वो है ऑरिस। सो ऑरिस बिल्डर की हम बात करने वाले हैं, जो कि ऑरिस गेटवे सेक्टर 82 में हमारा प्रोजेक्ट है, जिसमें 2 प्लॉट हमारे पास आ चुके हैं, अच्छी इन्वेंट्री है, कॉर्नर फेसिंग है, जिसमें काफी ब्रांड्स भी आ चुके हैं। ऐसे में मोस्टली लोग जो ब्रांड्स होते हैं वो चीजें लीज पे लेते हैं, लेकिन यहाँ पे ब्रांड्स ने बेसिकली चीजें परचेज कर रखी है। तो मैं आप लोग को सजेशन दूंगा कि अभी भी टाइम है अच्छा इन्वेस्टमेंट करने के लिए। सो उठाइए कॉल, लगाइए फोन और आज ही अपना एसयू बुक करें। सो चलिए वीडियो कर देता हूं स्टार्ट। एक बार देख लेते हैं मॉडल के थ्रू कौन सा हमारा एसयू है, कौन सी इन्वेंट्री बिक चुकी है, और देख लेते हैं इसका सराउंडिंग और NH8 से कितनी डिस्टेंस पे है। बेसिकली ये हमारा NH8 है, NH8 से एक एंट्री इधर से ये वाला हमारा एग्जिट आता है इसके ऊपर, तो एक एक्सेस ही हो जाता है। प्लस ये 24 मीटर रोड है जो हमारी सफायर वाली 75 मीटर रोड से कनेक्ट करती है। देन इसके पीछे एक रोड हो रहा है हमारी जो डीएलएफ प्राइमर से कनेक्ट करती है। 3 फेस इसके अंदर है। ये फ्रंट जो है आपका NH8 को फेस करता है। उसके बाद जो सेंटर एट्रियम है, सेंटर एट्रियम हमारा लाइट साइबर पार्क की तरह हमने बना रखा है। सो ये बेसिकली हमारा NH8 है, राइट। NH8 से मेनली कनेक्टिविटी हमारी NH8 से आती है, मेनली कनेक्टिविटी NH8 से आती है जी। प्लस 75 मीटर रोड जो सफायर वाली है ना, 75 मीटर रोड से आती है, 75 मीटर रोड सफायर वाली किसी से आएगी सारी की सारी, ठीक है। और NH8 हमारा पुल ब्रांड को कैटर करेगा, ठीक है। यहाँ पे सारे पुल ब्रांड आएंगे जिनकी 25-25-30-30 साल की लीज होगी, ठीक है, ठीक है, जिससे कि मार्केट चलने में बेनिफिट रहता है। काफी सारे ब्रांड्स है जिन्होंने आउटराइट यहाँ पे परचेज करा है जी, जैसे ओम स्वीट्स है, दाना चौका है, वेयर हाउस कैफे है, गर्ग दस्तक है, पीपी ज्वेलर है, डब्ल्यू है, कट एंड स्टाइल है, जैगवार बाथ फिटिंग है। ये सारे ब्रांड्स है जिन्होंने आउटराइट परचेज करा है, जो डे 1 से ऑपरेशन करने के लिए यहाँ पे तैयार है। सो आप कहना ही चाह रहे हैं कि काफी ब्रांड्स जो होते हैं वो लीज पे लेते हैं, लेकिन आपके यहाँ स्पेशली इन्होंने चीजें परचेज कर रखी है, जो कि सबसे बड़ा प्लस पॉइंट आपके लिए। ओके, गॉट इट। सो अभी यहाँ पे टोटल हमारी लैंड कितनी हो गई है? 9.5 एकड़ की लैंड है, 160 प्लॉट है और हमारा 4.26 का FAR है। ओके, जिसमें हम बेसमेंट ग्राउंड प्लस 4 फ्लोर बना रहे हैं। ओके, और टेरेस पे हम अपना एक कैफे टाइप का खोल सकते हैं, कैफेटेरिया टाइप में आएगा इसमें। अच्छा, सो यहाँ पे अगर जो फ्लैट्स की बात करें, जो एक क्राउड है वो कौन कौन सा आ जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे आपकी सारी प्रीमियम कैटेगरी के फ्लैट्स हैं, जैसे कि आप DLF हो गया, बेस्ट टेक हो गया, IMR हो गया, इस टाइप की हमारे यहाँ पे जेंट्री है। तो बेसिकली परचेसिंग पावर भी अच्छी है और ब्रांड्स भी यहाँ पे अकॉर्डिंगली आ रहे हैं, सारा जेन्युइन ही क्राउड हमारे पास आ रहा है। सो जो आपने यहाँ पे सिंबल लगा रखा है सोल्ड आउट का, ये बेसिकली सारे सोल्ड आउट हैं, मतलब सारे सोल्ड आउट। और अभी इन्वेंट्री हमारे पास कौन कौन सी बच रही है? इन्वेंट्री हमारे पास एक 314 गज के अंदर SCO है जी, 148 नंबर, जो कि काफी प्रीमियम SCO है वो है, और एक 71 नंबर प्लॉट। एक बार आप मुझे मार्क करके बता दें कौन सा प्लॉट हमारे पास अभी बच रहा है। एक ये वाला है जो 314 स्क्वायर फीट का स्क्वायर यार्ड का SCO है, सिर्फ 4 ही कॉर्नर के SCO जिसमें से एक अवेलेबल है। अच्छा, आप ये कह रहे थे यहाँ पे कुछ ब्रांड्स आ रहे हैं, कौन कौन से ब्रांड्स आ चुके हैं? ये वाला ओम स्वीट है, ये बीबी ज्वेलर है, ये गर्ग दस्तक है। ओके, तो ओम स्वीट ने ये लैंड आपसे परचेज कर रखी है, राइट, ना कि लीज पे है, परचेज कर रही है। और ये कौन से बता रहे हैं आप? ये वाला गर्ग दस्तक। ओके, अभी एक कॉर्नर का हमारे पास एक प्लॉट बचता है और एक हमारे पास आ जाता है ये वाला। इसमें क्या क्या पॉइंट है? अगर कोई सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि यहाँ से एंट्रेंस करते ही फर्स्ट प्लॉट है जो रेजिडेंशियल कैचमेंट को कैच करते हैं। और यहाँ पे रिबॉक आपने मेंशन कर रखा है, इसका क्या प्रॉफिट है? रिबॉक का मतलब है कि आपकी ये ब्रांड वॉल है, ब्रांड वॉल, आपका ब्रांड वैल्यू भी आपकी बढ़ती है। और यहाँ पे आप
जो आपकी वॉल है यहाँ पे ब्रांड आप मेंशन कर सकते हो जो कि यहाँ पे अच्छा रेंटल आप लोग कमा सकते हो, राइट। सो एक 24 मीटर रोड आपकी आती है यहाँ से भी, जो कि ये भी कॉर्नर फेसिंग आपका प्लॉट है, राइट। और एक आपका ये भी है, सो लोकेशन तो आपकी बहुत ही प्यारी है। बाकी वुडलैंड, एलन सॉली, ये सारे आ चुके हैं यहाँ पे, ये सब ब्रांड्स शो कर रहे हैं। यहाँ पे भी ब्रांड्स वॉल हैं, सो दैट की मतलब कि हम यहाँ पे एलईडी लगा के ब्रांड्स को कैटर कर सकते हैं। बाकी सारे हमारे सोल्ड आउट प्रोजेक्ट हैं, जो कि आप लोग देख पा रहे होंगे, वीगन से 100% सोल्ड आउट प्रोजेक्ट, 100% हमारा प्रोजेक्ट सोल्ड आउट है। दो इन्वेंट्री बच रही है, अगर आप लोग कुछ प्लान करते हैं तो दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट करना ना भूलें। सो ये बेसिकली आपका है NH8, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे बैंग ऑन NH8 आपका ये प्रोजेक्ट रहने वाला है। गाड़ियां आपकी जा रही है, ये टूवर्ड आपकी बस जा रही है, टूवर्ड आपका गुड़गांव, और राइट में जो कि आपकी गाड़ियां जा रही हैं वो जा रही है टूबर्ट जयपुर। सो टूबर्ट गुड़गांव एंड दिल्ली आप जा सकते हैं, और ये जो आपका इस सेट गाड़ी जा रही है सारी टूबर्ट मानेसर और जयपुर। सो ये आपकी रहने वाली है लोकेशन, काफी प्यारी लोकेशन है और क्राउड भी यहाँ पे काफी जेन्युइन है। और इसका प्रोजेक्ट है जो कि एक लैंड एडवाइजर है, बैक साइड में सारे DLF के यहाँ पे सोसाइटी ही रहने वाली हैं, बैक टू बैक यहाँ पे DLF, M3M और भी काफी बड़े बड़े यहाँ पे बिल्डर आ चुके हैं जिन्होंने पोजीशन भी दे रखी है।